हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन मई न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे हो गाइस। तो आगे हम आज नया वीडियो लेकर के और मैं वीडियो लेकर आया हूँ मनोज दे के जैसा थंबनेल कैसे बनाएं, क्योंकि वो जो आप आजकल का थंबनेल है गाइस उनका यूनिक तरीके का और काफी अट्रैक्टिव लगता है गाइस। तो आप लोग भी इस तरीके से कैसे बना सकते हो, बिल्कुल भी फोटोशॉप की जरूरत नहीं, मतलब फोटोशॉप की जरूरत है लेकिन फोन वाले फोटोशॉप की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना, आप बिगिनर हो तभी एडिट कर पाओगे, मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो आप जाकर उसे डाउनलोड करो एंड वीडियो को पूरा देखना गाइस, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट कैसा ट्यूटोरियल चाहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस, लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले गाइस, आप जितने भी आपको थंबनेल में टेक्स्ट लगाने हैं वो सबसे सब आपको पिक्सल लैब में लिख लेनी है गाइस, और एक एक वर्ड करके आपको लिखना है गाइस। एक में दो तीन नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग लेयर बाय लेयर काम करेंगे आगे चल के फोटोशॉप में, और हम लोग उसमें और गाइस हम उसमें कलर भी चेंज करनी हो तो एक एक वर्ड को चेंज कर सके गाइस, इसीलिए आपको एक एक वर्ड को लिखना है जैसे मैं लिख ले रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग फोटोशॉप में। तो उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है, और आपको यहाँ पास लिखना है, यहाँ पास आपको 1280 लेना है और नीचे आपको लेना है 720। ये हमारे यूट्यूब थंबनेल का साइज़ होता है गाइस। तो ये हमारे यूट्यूब थंबनेल का साइज़। बैकग्राउंड लेना है, और बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पास एंड वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको काफ़ी सारे कलर्स वाले ऑप्शन मिलेंगे, तो जिसमें डबल टोन हो बस वही आप सेलेक्ट करना। एंड इधर सबसे कोने में आपको एक कस्टमाइज ऑप्शन मिलेगा जिससे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप यहाँ पास कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे ग्रीन लेना है तो ऊपर मेन ग्रीन लेना एक साइड, और एक साइड हल्का डार्क ग्रीन लेना गाइस, पूरा डार्क लेना जितना डार्क कर सकते हो। और आप इस तरीके से मान लो ग्रीन हमने लिया, ओके। उसके बाद एक और एम्प्टी लेयर लेंगे, ओके, प्लस वाले आइकन पे जाके फिर एंड पे क्लिक करेंगे एंड फिल पे जाएंगे, और यहाँ पास जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे, और यहाँ से डन। उसके बाद फिर से यहाँ इधर हम टाइप करेंगे गाइस, एंड उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे एंड इसको हम ओपेसिटी को डाउन करेंगे, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड को पूरा डार्क करना है, ओके। इस तरीके से डार्क हो गया है, अब हम इसे मर्ज कर देंगे गाइस, ओके। तो हमारा बैकग्राउंड काफ़ी ही डार्क तरीके से एंड ग्रीनी टाइप पे हुआ है, तो हम क्या करेंगे गाइस, टेक्स्ट भी हम ग्रीनी डालेंगे और इसको मतलब मैच करेंगे बैकग्राउंड से टेक्स्ट को हम, ओके। तो हम जाएंगे फिर से प्लस वाला आइकन पे एंड फोटो लेयर पे जाएंगे एंड फोटो लाइब्रेरी पे चले जाएंगे, ओके गाइस। और जो हमने अभी टेक्स्ट बनाया है पिक्सल लैब में उसको हम लोग यहाँ पास ऐड करेंगे गाइस, ओके। हम लोग ने एक एक करके बनाया था ताकि अच्छे तरीके से हम ऐड कर सकें और इसका कलर भी चेंज कर सके गाइस, ओके। सबसे पहले बेस्ट अर्निंग हम ऐड करेंगे एंड फिर से जाएंगे फोटो एंड लाइब्रेरी में एंड यहाँ पास हम लोग ऐड करेंगे एप्लीकेशन। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, एक कलर चेंज करना है, जैसे हमें एप्लीकेशन का चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पेन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल्स पे करेंगे एंड यहाँ एंड वाले बटन पे जाएंगे गाइस एंड ग्रेडियंट पे चले जाएंगे, और हम यहाँ से जाएंगे कलर कस्टमाइजेशन में। मेरा पहले से ही ग्रीन, आपका भी यही रहेगा जो आप फर्स्ट में कलर लोगे, तो हमारे पास ग्रीन एंड डार्क आ चुका है, तो फिर डन करेंगे, ओके। एंड हम यहाँ से करेंगे डिसलेक्ट, ओके, और हम यहाँ पास फिर से प्लस पे जाएंगे, एम्प्टी ले जाएंगे, एंड पे जाएंगे, फिल स्ट्रोक करेंगे और डन कर देंगे। उसके बाद जाएंगे नीचे, हम जाएंगे लेयर पे टैप करेंगे, एक सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करेंगे एंड फिर से डार्क वाले पे जाएंगे एंड क्लियर पे क्लिक कर देंगे गाइस, ओके। एंड हम यहाँ से कर देंगे डिसलेक्ट फिर से एंड एफएक्स पे जाएंगे एंड ग्लो पे जाएंगे एंड हम यहाँ से कलर लेंगे ग्रीन, बिल्कुल ही ग्रीन, और इसको थोड़ा कम करेंगे और इसको पूरा 100 रहने देंगे गाइस, ओके। फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर से सिलेक्ट पिक्सल्स करेंगे एंड ऊपर वाले पे जा करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारा फॉन्ट जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, सारे टेक्स्ट को एक में मर्ज कर देना है, ओके। इस तरीके से टेक्स्ट हमारा मर्ज हो चुका है, अपना फ़ोटो का जो PNG है उसको ऐड कर लेना है गाइस, ओके। तो मैंने यहाँ फोटो का PNG मनोज देख कर ही लिया है और मैंने कट करके रखा। फोटो का कैसे कट करते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हो, ओके गाइस। तो ये हमने कट किया है इस फोटो को, तो ये हो गया हमारा कटेड फोटो, ओके। और गाइस अगर आपका जो मॉडल रहेगा उसके नीचे वाले लेयर पे ही आपको क्लिक कर लेना है, फिर प्लस पे जाना है, फोटो लेयर, फोटो लैब, एंड आपको मिलेगा वाइट लेंस, वाइट लेंस को आपको ऐड कर लेना है, तो आपको इसे बड़ा करके मनोज दे आपका मॉडल का पीछे लगा देना है गाइस, इस तरीके से, ओके ओके गाइस। एंड थोड़ा सा हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अच्छे से बिठा देंगे, ओके गाइस। तो हमारा ये सेट हो चुका है ऑलरेडी एंड हमारा बैकग्राउंड यहाँ पास काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर से जाएंगे फोटो लेयर एंड लाइब्रेरी एंड ये वाली जो है गाइस आपको इस तरीके से बड़ा करके आप बीच में भी कभी लगा सकते हो या कभी इधर उधर करते रहना,
तो अभी हम लोग इसको यहाँ लगाने वाले हैं इस तरीके से, और इसको हम लोग पूरा नीचे ले जाएंगे और इसका इस तरीके से ओपेसिटी कम करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे हम लोग बैकग्राउंड के साथ। और हम लोग जो टेक्स्ट है तो उसको थोड़ा और बड़ा करेंगे इस तरीके से, और हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके, यहाँ से फ्लिप करके इस तरीके से लगा देंगे। ओके, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, एंड पे जाएंगे, एंड फ्लिप कर देंगे इसको ऊपर की ओर, और हम लोग ये दोनों को मर्ज कर देंगे। ओके, और इसको करेंगे इससे थोड़ा ओपेसिटी कम, और ये हम कर देंगे इस तरीके से। सबसे नीचे वाले लेयर पे जाना है, फोटो लाइब्रेरी पे चले जाना है, और ये भी चीज़ जो मैं देने जो भी हम ऐड करने वाले हैं उसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, सारे पैक को आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके गाइस, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे और इसको पूरा खुद हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब ऐसा हमारा नज़र आ रहा है कुछ बैकग्राउंड थंबनेल। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा कर लेना है, और इसको गाइस आपको क्या करना है, यहाँ इफ़ेक्ट्स पे जा करके और ये डायरेक्शन ब्लर कर देना है, और किसी तरीके से खींच के एक साइड बढ़ा करके और ऐसा कर देना है गाइस, डन। फिर इसको डुप्लीकेट करना है एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड छोटा करके एक इधर लगाना है ऐसे करके गाइस। फिर से गाइस इसको फिर से डुप्लीकेट करना है, एंड पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, एक इधर लगाना है इस तरीके से, और गाइस फिर से हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे एंड फिर से एंड पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म, और एक इधर ऐड करेंगे, और गाइस इस तरीके से, और ये जो बड़ा वाला है बीच में इसको हम लोग इस यहीं पास रहने देंगे, अच्छा लग रहा है, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा गाइस। ये जो गाइस सारे YouTube वाले जो आइकन हमने लगाए हैं सारों को एक में मर्ज कर देना है, और इस तरीके से ओपेसिटी हल्की कम कर देनी है। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है गाइस थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर पे जाएंगे, एंड पे जाएंगे एंड फिल एंड स्ट्रोक पे जाएंगे, एंड हम बैकग्राउंड को डार्क करेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको इस तरीके से इतना कर देंगे। ओके गाइस, अब देख सकते हो हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है बिल्कुल ही मनोज दे के जैसा गाइस। और आपको क्या करना है, हमारा जो वो वाइट वाला था तो वो थोड़ा कम लगने लगा, ये वाली जो चीज़ थी वो हमारी डार्क हो गई थी, तो इसको हम फिर से ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करके इस तरीके से। अब देख सकते हो गाइस हमने इसको थंबनेल बना दिया है। तो इस तरीके की और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि नेक्स्ट कौन सी ट्यूटोरियल चाहिए। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करें।